हे गाइस, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी की तरफ से निकाली गई असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के बारे में, जिसके अंदर देखा जाए तो कुल मिला के 253 पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसकी एज लिमिट क्या मांगी गई है, फीस कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, साथ ही दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा वो उसके बारे में जानेंगे, और दोस्तों कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इन सब के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी पूरी डिटेल्स को। सबसे पहले बात करी जाए इसके फॉर्म की, तो दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो 20 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 10 मई की रखी गई है, और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 7 अगस्त 2022 में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो यहाँ पे 20 से 25 साल की एज लिमिट मांगी गई है, और जो एज लिमिट की लास्ट डेट होनी चाहिए वो आपकी 1/8 मतलब कि 1 अगस्त 2022 की रखी गई है। अब इसकी फ़ीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 200 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, बाकी जितने भी SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 0 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट वाइज यानी कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन कितनी पोस्ट निकाली है, कितनी पद खाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो BSF के अंदर यहाँ पे 66 पद खाली हैं, CRPF के अंदर यहाँ पे 29 पोस्ट है, CISF के अंदर यहाँ पे 62 पोस्ट है, ITBP के अंदर यहाँ पे 14 पोस्ट है, और SSB के यहाँ पे 82 पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वैकेंसी रखी गई हैं। अब चलिए दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानें, तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के अंदर एक ही एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जो कि है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। मतलब अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री है तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि PET टेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे PET टेस्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर आपसे पहले हाइट मांगी जाएगी, उसके बाद चेस्ट मांगा जाएगा। तो यहाँ पे हाइट की बात करी जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वहीं पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। अब बात करी जाए चेस्ट की, तो चेस्ट में यहाँ पे मेल्स के लिए 81 से लेके 86 सेंटीमीटर की चेस्ट साइज होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों थर्ड नंबर पर आएगा यहाँ पर 100 मीटर की रेस रखी गई है, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड में कवर करनी होगी, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को ये रेस 18 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 800 मीटर की रेस होगी, जो कि मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी, वहीं पे फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकेंड के अंदर ये रेस कंप्लीट करनी होगी। अब बात करी जाए लॉन्ग जंप की, तो दोस्तों नेक्स्ट आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट्स को 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप लगानी होगी, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को ये जंप 3 मीटर की जंप लगानी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका शॉट पुट होगा, जो कि 7.26 kg का होगा, और मेल कैंडिडेट्स को ये 4.5 मीटर की दूर फेंकना होगा, वहीं पे फीमेल के लिए ये कुछ भी मांगा नहीं गया है। तो दोस्तों ये था आपका PET मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की पूरी डिटेल कि क्या क्या आपको करवाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इन सभी शहरों के अंदर जाएगा। आप पूरी यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इस वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लंबी यहाँ पे सेंटर्स के नेम है। इन इन शहरों में आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, तो यहाँ पे आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, दो पेपर होंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पहले बात करते हैं इसके पेपर 1 के बारे में, तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसके अंदर आपके जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 250 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। ये जो पेपर है दोस्तों ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। एग्ज़ाम के टाइम यहाँ पे 7 अगस्त को पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, और ये पेपर आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर तक चलने वाला है, यानी कि पेपर की जो टाइमिंग है वो आपकी 2 घंटे की रहेगी। वहीं पर दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो इसका जो पेपर 2 है उसमें जनरल स्टडी, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। इसके अंदर बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपके राइटिंग द ऐसे करवाया जाएगा, जो कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करी जाए तो यहाँ पे आपका प्रीशियस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ये सब का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको खाली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर करना होगा।
और पेपर की टाइम की बात करें तो ये भी एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त को होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम की जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में होने वाली है, यानी कि ये पेपर भी आपका 2 घंटे का रखा गया है। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर डिटेल आपकी यूपीएससी के एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, तो अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वो चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम सिर्फ आने वाली भर्तियों के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताते हैं, तो सिलेबस आपको वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगी। तो दोस्तों इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा जल्द ही, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.hindiaudience.com। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।